सिवान जिले के नगर परिषद में किसान मजदूर यूनियन संघ के लोगों का एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह बैठक मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें नगर परिषद के विभिन्न कर्मियों के साथ कुछ वार्ड पार्षदों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर विरोध जताई। और अमित कुमार ने बताया कि वर्तमान में कुछ दिन पहले निर्भय कुमार पांडे पर बिना किसी जांच किए हुए बोर्ड के साधारण बैठक में बर्खास्त कर दिया गया। बैठक खत्म होने के बाद सभी कर्मियों ने डीएम अमित कुमार पांडे के पास इससे संबंधित सोमवार के दिन ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। आज हम लोग सारे नगर परिषद कर्मी आज हम लोग एक मीटिंग का आयोजन किए हैं, एक सभा का आयोजन किए हैं। इसका पर्पस यही है कि जो नगर परिषद है वो हमारा एक परिवार के जैसा है और परिवार का मालिक होता है एक्जीक्यूटिव चेयरमैन। और हमारे जो भी वार्ड कुछ ऐसे वार्ड कमिश्नर हैं जो आते हैं नगर परिषद में, और हमारे जो ऑफिस के स्टाफ हैं उनके साथ गलत बिहेव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं, अपना काम जबरदस्ती करवाते हैं, इलीगल तरीके से भी करवाने की कोशिश करते हैं। अगर उसका ये लोग विरोध करते हैं तो उनको निकलवाने की, सशक्त कमेटी की बैठक बुलाकर उनका हटाने की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए धमकी दिया जाता है, हमेशा किया जाता है, ऐसा किया भी जा रहा है। तो उसी के खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं कि आज हमारे एक कर्मी हैं निर्भय पांडे जी, और वार्ड नंबर 9 के वार्ड कमिश्नर सलीम सिद्दीकी उर्फ पिंकू जी, उनका रवैया ये रहा है कि हमेशा से कर्मियों को गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं और हमेशा से बिहेव मिसबिहेव करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सभी लोग रोजी रोटी के लिए यहाँ पे हैं, अपने मान सम्मान के लिए हैं, और यहाँ इनका मान सम्मान का हनन किया जाता है। सलीम सिद्दीकी जी आते हैं, निर्भय पांडे जी को गाली गलौज करते हैं, काम का दबाव बनाते हैं, और वो काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का धमकी देते हैं, बोलते हैं कि हम चेयरमैन जी से जो कहेंगे वो हमारे बात मानेंगे। मैं चेयरमैन महोदय जी से एक बात कहना चाहता हूँ और एसकेटी महोदय से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये आपका परिवार है और जो भी अगर कोई गलती करता है उसकी समीक्षा आप करेंगे, उसकी देख रेख आप करेंगे, उसके जांच आप करेंगे। बिना किसी जांच का किसी के खिलाफ बोर्ड बैठा के गलत गलत चीज़ आरोप लगा देना ये सरासर गलत है। और मैं सलीम सिद्दीकी पिंकू जी के बारे में बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी चंद्रमणि जी जो हैं उनके खिलाफ मिसबिहेव, उनको गाली देना, उनको धमकाया गया, वो सारे लोग हमारे पास मौजूद हैं। अमित राज जो MIS स्पेशलिस्ट हैं, चंद्रमणि जी जो कि म्यूनसिपल सिविल इंजीनियर हैं, इन लोगों के खिलाफ भी उन लोग अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज देते हैं, धमकी देते हैं, हमेशा यहाँ पे बने रहते हैं नगर परिषद में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि वार्ड कमिश्नर का काम है जनता की सेवा करना, अपने वार्ड में रहना, यहाँ के कर्मी से हमेशा वो लोग ऑफिस में ही बना रहता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पूरे जिलावासियों से कि हम किसी वार्ड कमिश्नर को चुनते हैं अपने यहाँ काम करने के लिए, अपने नगर परिषद में हम आते हैं, जितने भी स्टाफ हैं वो पैसा के साथ साथ मान सम्मान के लिए भी रहते हैं, वो लोग आके यहाँ पे मान सम्मान का हनन करते हैं तो क्या ये अच्छी बात है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इसको जांच किया जाए, ये जांच का विषय है। अगर ये गलत है तो इनके पक्ष में हम लोग नहीं रहेंगे, सारे स्टाफ आज इनके पक्ष में है, अगर ये गलत रहेंगे इनके पक्ष में हम नहीं रहेंगे, ये सही है इसलिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग एक लेटर DM को देंगे, चेयरमैन को देंगे, एग्जीक्यूटिव को देंगे कि इस पर जांच हो, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, न कि एक तरफा बात सुन के हम सशक्त कमेटी की बैठक कर देते हैं और उस पर अपना बात मनवा लेते हैं, तो ये नहीं चलेगा। मैं बार बार आग्रह निवेदन करता हूँ एग्जीक्यूटिव महोदय से, चेयरमैन महोदय से कि ये आपका परिवार है, आप इसको देख रेख कीजिए, वरना अगर इससे अगर हल नहीं होता है तो हम लोग आगे की जो कार्रवाई करेंगे उसके जिम्मेदार यहाँ के एग्जीक्यूटिव होंगे, यहाँ के चेयरमैन होंगे, यहाँ के उप चेयरमैन होंगे, यहाँ के जो भी आला अधिकारी होगा। इसलिए कि किसी भी कर्मचारी के साथ हमारे अभद्र अगर उसके मान मर्यादा प्रतिष्ठा का हनन होता है तो उसके खिलाफ हम और हमारा पूरे संगठन खड़ा रहेगा, पुरजोर विरोध करेगा, जरूरत पड़ेगा बंद करने का भी काम तो पूरे नगर परिषद को हम बंद करने का और पूरे जिला में अपने लोग उतारने का काम करेंगे। हम चाहेंगे कि जो समस्या है निर्भय पांडे जी का उन्हीं से आप सुन ले, अच्छा रहेगा। और पूरे जिलावासियों से ये आग्रह करते हुए मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ
कि आप लोग समझिए कि हम लोग वैसे लोगों को चुन दे रहे हैं जो जाके ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। इस पे भी आने वाले दिन में आप लोग ख्याल कीजिए, बढ़िया लोगों को चुनिए ताकि आपके जिला का विकास हो, जिला का काम हो। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार, यहाँ के मजदूर यूनियन एक्टू के जिला अध्यक्ष हम लोग हम हैं, और हम चाहेंगे कि आज हमारे नेता संघ के उपस्थित में, सारे कर्मचारी उपस्थित में हैं इस कार्यालय में। आए दिन नेताओं का दबाव बना रहता है, कुछ ऐसे पार्षद हैं जो कर्मचारी से गलत काम करवाते हैं, जैसे में हम जन्म मृत्यु के प्रभारी थे, सलीम सिद्दीकी जी हमसे गलत काम करवाना चाहते थे, पैसा दे के चाहते थे गलत सर्टिफिकेट लेना, हमने नहीं दिया, विरोध किया, उस पर वो हमको धमकी देने लगे, धमकी देने के बाद यहाँ तक उतारू हो गए कि हत्या करने की भी धमकी दी, कहेगा कि हम पार्षद हैं, हम बोर्ड में बैठ के जो चाहेंगे लिखवा देंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। इसके पहले भी इस तरह से बोर्ड में करके हमको किरानी से लिपिक पद पर कराया गया, इसका कोई जांच नहीं हुई। यह घटना 19/12/2020 को कार्यालय परिषद में हुई, उस समय प्रधान हम प्रभारी प्रधान सहायक भी मौजूद, उनके कक्ष में घटना घटी, वहाँ गाली गलौज किए, हमको अश्लील शब्द का व्यवहार किए, हमने उनसे बार बार आग्रह किया कि भैया हम गलत काम नहीं करेंगे, फिर भी हम कह के तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। इसका शिकायत अपने चेयरमैन से किया जी, हमने अपने आला अधिकारी को 19/12/20 को ही हमने आवेदन दिया। क्या बोले हैं? और अभी तक हमारा आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और हमें ये संभावना है क्या कि वो हमारी हत्या भी करवा सकते हैं, तो इसके लिए हम अपने नेता से की और कर्मचारी संघ की बैठक कराएं, और इस पर जो हमारा नेता निर्णय लेगा वो हमें मान्य होगा, और हम चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे आवेदन के आलोक में उच्च स्तरीय जांच कराकर इसका न्याय दिलाएं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ निर्भय कुमार पांडे, सहायक नगर परिषद सीमा।